नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अपने पीक लेवल्स के आसपास चल रहा है। एक साल पहले किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि सेंसेक्स इतना जल्दी 60,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर लेगा। जो सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है वो ये है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे स्ट्रक्चर करें, क्या हम डायरेक्ट इक्विटीज में ज्यादा इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में करें, अपने पोर्टफोलियो को कैसे सही तरह से डिजाइन करें सो दैट ये पोर्टफोलियो हमारे लिए ना केवल पैसा बनाए बल्कि हमारे गोल्स को पूरा करने की वेल्थ भी क्रिएट करे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जो आप हर पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज कर सकते हैं, चाहे मार्केट पीक लेवल्स पे हो, एक्सट्रीम पे हो या इन बिटवीन हो। ये स्ट्रैटेजी आपको हमेशा हेल्प करेगी एक सही पोर्टफोलियो को क्रिएट करने में। सो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में मैं आपको दो पोर्शन बताने वाला हूं कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला पार्ट होगा कोर पोर्टफोलियो, सेकेंड पार्ट होगा सैटेलाइट पोर्टफोलियो। नाउ ये कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियोज क्या है? कोर पोर्टफोलियो आपका मेजर पोर्टफोलियो है जिसमें आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा। मान लीजिए 100 रुपए का आपका पोर्टफोलियो है तो 70 to 90 rupees कोर पोर्टफोलियो के तरीके से इन्वेस्ट होगा। दैट मीन्स लॉन्ग टू वेरी लॉन्ग टर्म, मतलब 5 साल या उसके ऊपर के हिसाब से इन्वेस्ट होगा। बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपके लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स से लिंक्ड है। सो आपके लाइफ के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, चाहे वो रिटायरमेंट हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, बच्चों की पढ़ाई, शादी, कोई भी गोल हो, कोर पोर्टफोलियो के जो इन्वेस्टमेंट है वो इन गोल्स से लिंक्ड है। इसलिए यहाँ आपका जो मेजॉरिटी आपका इन्वेस्टमेंट है वो कोर पोर्टफोलियो के अंदर जाएगा। 70 to 90% आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है वो कोर पोर्टफोलियो रहेगा। सो से फॉर एग्जांपल 100 रुपए का आपका पोर्टफोलियो है तो 70 to 90 rupees कोर पोर्टफोलियो के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होगा, कोर पोर्टफोलियो के इंस्ट्रूमेंट्स के जैसे इन्वेस्ट होगा। 70% उन लोगों के लिए जो बहुत यंग हैं, जो रिस्क टेकर्स हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, वो 70% तक, अदरवाइज 90% तक आप अपना कोर पोर्टफोलियो को रख सकते हैं। रिमेनिंग जो है वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो में जाएगा। ना कोर पोर्टफोलियो के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो कोर पोर्टफोलियो में आप म्यूचुअल फंड्स की SIPs करेंगे, आप वो सारे स्टॉक्स करेंगे जो आप बाय एंड होल्ड करना चाहते हैं, ऐसे सारे बिजनेसेस जो आपको आगे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, आपको लगता है वो आने वाले 10 साल 15 साल में बहुत ग्रो करेंगे, आपको मल्टीपल रिटर्न बना के देंगे, तो वो जो स्टॉक्स हैं वो आप कोर पोर्टफोलियो में रखें। सो दिस इज योर कोर पोर्टफोलियो जो आपके फाइनेंशियल गोल्स लिंक्ड है। रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो के अंदर जाएगी। यहाँ आपका 30 to 10% इन्वेस्ट होगा। अगेन 30% उन लोगों के लिए जिनका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है, जो थोड़ा रिस्क टेकर्स हैं, वो 30% तक, अदरवाइज 10% तक आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो को रख सकते हैं। दैट मीन्स 100 रुपए में से 10 रुपए सैटेलाइट पोर्टफोलियो के हिसाब से उस तरीके से उन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होगा। यहाँ आपका पोर्टफोलियो ज्यादा एक्टिवली मैनेज होगा बिकॉज यहाँ आपका उद्देश्य क्या है कि आप पैसा बनाएं और एग्जिट करें। मीडियम टर्म के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होगा, दैट मीन्स 2 साल 3 साल 4 साल के हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे। पैसा बना के एग्जिट करने का आपका मेन जो आपका गोल रहेगा, और अगर हम इसको वाइजली और बहुत अच्छे तरह से करेंगे तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को एक किकर मिलेगा। तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जिसमें से कोर पोर्शन बहुत ज्यादा है वो आपका 12 से 13% रिटर्न बना रहा है, तो अगर आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रख रहे हैं, थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं या अपने एडवाइजर की हेल्प ले रहे हैं, तो यही आपका नेट पोर्टफोलियो रिटर्न 12-13 की जगह 15 से 17% भी आराम से पहुंच सकता है। सो सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप उन इंस्ट्रूमेंट्स में तरीके से इन्वेस्ट करें। ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो के अंदर आप यूज करें, जैसे कोई मोमेंटम स्टॉक्स आपको लगता है कि आपने कहीं रीड करा है, कोई रिसर्च करा है, कोई एडवाइजर की हेल्प ली है कि स्टॉक में कोई मोमेंटम है, इस स्टॉक में कुछ चेंज आने वाला है, ये स्टॉक का भाव बढ़ने वाला है, आपको लगता है कि गोल्ड में भाव बढ़ेंगे, अभी गोल्ड का बाइंग टाइम बहुत अच्छा है, गोल्ड अगले 3-4 साल में बहुत अच्छा रिटर्न बनाएगा, तो आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि बॉस मार्केट में अब इकोनॉमी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउन साइड पे जाने वाली है, पीक आउट हो गई है, तो आप GSEC या GSEC फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ आपका उद्देश्य है आप 3 साल 4 साल के हिसाब से पैसा रखें, पैसा बनाएं, एग्जिट करें, एग्जिट करके उस टाइम पे जो नए फंड्स या असेट्स में या अलग अलग असेट क्लासेस में आपकी अपॉर्चुनिटी बन रही हो वहां पे उस टाइम एंटर करें। सो इस तरह से सैटेलाइट पोर्टफोलियो इज ऑल फॉर मनी मेकिंग। नाउ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में कोर पोर्टफोलियो के जो सबसे बेहतरीन और सबसे प्रूवन जो इंस्ट्रूमेंट है वो है म्यूचुअल फंड्स की SIPs।
SIP ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप मंथली आपके जो इनकम है उसमें जितना ज़्यादा हो सके आप म्यूचुअल फंड की SIPs करें, 10 साल 15 साल 20 साल चलाएं, जितना लंबा चलाएंगे आपके फाइनेंशियल गोल्स उतने अच्छे तरह से पूरे होंगे। साथ में आपके जो अच्छे स्टॉक्स हैं, गुड क्वालिटी बिजनेसेस जो लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगे, उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे, वो ये कोर पोर्टफोलियो है जो आपका मेजॉरिटी, आपका 100 में से 70 से 90 रुपए इन जगह इन्वेस्ट होना चाहिए। रिमेनिंग 30 से 10 रुपए आपका कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, चाहे आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड में टेक्टिकल कॉल लें, एज आई मेंशन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लें, आप ऐसे स्टॉक्स में कॉल ले सकते हैं जिनमें टर्न अराउंड आने वाला है, जिसमें आपको लगता है कोई कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है, कोई मर्जर एंड एक्विजिशन होने वाला है, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक है वो इमीडिएट आपको रिटर्न देगा, कोई फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग आने वाला है जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होगा, तो आप वहाँ मीडियम टर्म एक कॉल लेके, रिसर्च के साथ एडवाइजर की ओपिनियन लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोर्शन ज़रूर थोड़ा कम रखेंगे बिकॉज यहाँ पे रिस्क थोड़ी ज़्यादा रहेगी, बट देन अगर इसको हम बहुत वाइजली और स्मार्टली करेंगे तो ये जो पोर्टफोलियो है, ये जो सेटेलाइट पोर्टफोलियो है, ये आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है इन मीडियम टर्म। सो अल्टीमेटली दोस्तों, आप कितना डिसिप्लिन वे में, कितना स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, कितना वाइजली इन्वेस्ट करते हैं, कितना पेशेंस आपका रहता है, बिकॉज मार्केट ओनली टेस्ट वन थिंग विच इज़ योर पेशेंस। तो आप कितना पेशेंटली इन्वेस्ट करते हैं, कितना वाइजली करते हैं और कितना सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपका कोर पोर्टफोलियो कितनी एफिशिएंटली आपके लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करे और आपका सेटेलाइट पोर्टफोलियो कितना अच्छी तरह से आपको मीडियम टर्म में पैसा बना के दे। सो दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, अपने पोर्टफोलियो में कोर और सेटेलाइट पोर्शंस बनाएं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको अलग तरह से मैनेज करें, एडवाइजर्स की हेल्प लें, रिसर्च करें, बहुत रीडिंग करें, जिससे कि आप इन दोनों पोर्शंस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएं। सो दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मैंशन करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों।